नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। सियासत में हमलों वार पलटवार का दौर कोई नई बात नहीं है। कई बार मुद्दों से हटकर पर्सनल अटैक का रिवाज भी कोई नई रीत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जरूरतों और जिम्मेदार बचनों की जगह सियासत में बिगड़े बोल क्यों? जब चुनाव देश की सरकार चुनने का हो तो उसमें दुर्योधन, औरंगजेब, अहंकार, टीपू सुल्तान, अली बजरंगबली की एंट्री कराकर कैसी सियासी करामात करने की कोशिश होती है? आप ईमानदारी से सोचिए कि क्या जनता को इस तरह के बयानों की जरूरत है? क्या विपक्ष ऐसे सरकार से उनके कामकाज को पूछेगा? क्या सरकार विपक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगी? हमलों के लिए शिष्टाचार भूल जाना, उन किरदारों को जिंदा कर देना जो अतीत में किसी भावना का प्रतिबिंब रहे हो, क्या जाहिर करता है? सियासत में माहौल बनाने के लिए आखिर ये कैसी जरूरत है या फिर ये जरूरी है? कोई मंशा है या चुनाव जीतने के लिए सियासी चौसर पर शकुनी चाल, जो मंच से मर्यादा भूली जा रही है, भाषा हल्की होती जा रही है और नहीं संभल रही जिम्मेदारों की जुबान? तो भले ही मुकाबला अभी दो चरणों का बाकी हो, लेकिन किस तरह से आचरण बदल रहे हैं, किस तरह से भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा और हमले करने के लिए किस तरह से सहारा लिया जा रहा उन किरदारों का जिनकी चुनाव में उपयोगिता कहीं से भी साबित नहीं होती है। पहले कुछ बयानों को सुनिए। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अभी अत्याचारी औरंगजेब भी आया था बनारस, हमारे मंदिरों को तोड़ना चाह रहा था, तोड़ नहीं पाया था। जिन मंदिरों को हमने औरंगजेब से बचाया, उन मंदिरों को आधुनिक औरंगजेब ने तोड़ डाला। इसका बदला लेना पड़ेगा काशी के नागरिकों को। आपके कहने से कोई दुर्योधन नहीं बन जाता। 23 तारीख की मतगणना बता देगी दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है। तो सवाल यही है कि आखिर चुनाव के वक्त इस तरह के आचरण क्यों, इस तरह से किरदारों को जीवित करने की मजबूरी है? आखिर उन किरदारों को राजनीति के मन से बोलकर किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? पार्टियां कोई भी हो, नेता कोई भी हो, आखिर इस तरह के बयानों की जरूरत चुनाव में किस लिए इस्तेमाल की जा रही है? जनता में इस तरह के बयानों का किस तरह का संदेश जाता है और पर्सनल अटैक करके इस तरह से माहौल बनाकर आखिर राजनेता क्या साबित करना चाहते हैं? क्या भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो क्या कामकाज का हिसाब देना जरूरी है या फिर इस तरह से पर्सनल अटैक करके उन किरदारों को जीवित करके यहां पर माहौल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए? जब हम किसी व्यक्तित्व की बात करते हैं, जब हम किसी माहौल की बात करते हैं, तो आखिर उसके पीछे इस तरह की सियासी चालें किस तरह के संकेत देती हैं और क्या चुनाव में ये इस तरह का चलन बदलना नहीं चाहिए? क्या इस तरह के नेताओं के लिए कोई सबक वाली कोई सीमा तय नहीं होनी चाहिए जिससे इस तरह का आचरण बदले और राजनीति में ये रिवाज खत्म हो सके? इसी मुद्दे पर आज की बहस है, आज का अखाड़ा है, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विनोद भारती जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। हमारे साथ वीरेंद्र मौर्या जी हैं, प्रवक्ता प्रसपा हैं और संतोष यादव जी हैं, महासचिव RLD हैं। शुरुआत करेंगे विनोद जी आपसे ही करेंगे। चुनाव में जैसे जैसे चरण गुजरते गए, आचरण बदलता चला गया और अब राजनीति में दुर्योधन, औरंगजेब, टीपू सुल्तान सबकी एंट्री हो चुकी। किसकी एंट्री बाकी है अभी? देखिए, 2014 से पहले कांग्रेस इस देश को अपनी विरासत मानती थी और लूट खसोट। 2019 में दुर्योधन कहां से आ गया साहब, ये बताइए। मैं आप ही की बात, पीएम मोदी के लिए दुर्योधन जैसी बात करना, का जो चरित्र है वो भ्रष्टाचारी चरित्र माना गया है, महाभारत में लूट खसोट का चरित्र माना गया है। तो उसका प्रयोग क्यों कर रही कांग्रेस? दुर्योधन कह रहे हैं अगर पीएम मोदी का अहंकार दुर्योधन जैसा है, ऐसे शब्दों से प्रधानमंत्री के का संबंध जोड़ा है,
तो निश्चित जान लीजिए ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, इस देश की जनता का अपमान है। ऐसे शब्दों के भारतीय और उससे पहले जो राजीव गांधी के लिए पीएम ने कहा, उससे पहले जो राजीव गांधी के लिए पीएम ने कहा जी, उससे पहले राजीव गांधी के लिए जो पीएम ने कहा, वो क्या वो सही लगता है आपको, उस तरह के आचरण किए जाने चाहिए थे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने राजीव गांधी को बोफोर्स घोटाले का अभियुक्त ही बताया है। अगर मैं कहता हूं साहब, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है इस तरह के बयानों की? आप अपना कामकाज रखिए, जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल वही कामकाज ही है। कांग्रेस लंबे समय तक किसने क्या किया ये बताना जरूरी है क्या? भारत के संसाधनों का जनता के बीच में आप 5 साल काम करने के बाद जरूरी हो जाता है कि उनके कामकाज को भी बताया जाए और अपनी उपलब्धियां भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने 5 साल के औरंगजेब की याद दिला रहा है, संजय निरुपम और औरंगजेब की याद दिला रहे हैं, वो क्या है? और उस देश की जनता इस 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रही है, उस समर्थन से संजय निरुपम जो औरंगजेब ने कराया है, वो क्या है? कांग्रेस का ये उल्टा पुल्टा उजूल फुजूल का बयान आ रहा है, ये उनकी हार और पराजय निराशा की। चलिए, रजी हसन साहब भी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं। रही साहब, जिस तरह से यूपी में चुनाव जैसे ही चरम पे आया, पहले अली बजरंग बली आए, आजम खान के विवादित बोल आए, लगातार इस तरह के बयान आ रहा है, आपको लगता है इस तरह के किरदारों की सियासत में जरूरत है? देखिए, जब जब देश में चुनाव आता है, जब जब देश में चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देश में कुछ कोई काम हुआ नहीं, विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात करती नहीं। हम लोगों ने विकास किया, हम लोग विकास के मुद्दों पर लड़ते हैं, और ये बजरंगबली, अली और सभी जाति और सभी भगवानों को लेकर मैदान में पहुंचते हैं। इन लोगों ने कोई काम किया नहीं, काम करने के लायक कोई बात रखी नहीं, और इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। तो फिर आप हनुमान जी को क्यों अपना बताने लगे थे, आप भी जो विकास की बातें करते? हम लोगों ने तो जब इन लोगों ने ये कहा कि बजरंग बली, हम लोगों के लिए सारे धर्म, सारी जातियां, विकास सब एक सामान्य है। हम लोग सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान। याद करिए 2017 का विधानसभा चुनाव, याद करिए औरंगजेब तब भी गुजा था। नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा ये है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है और ये बौखलाहट पर ये ऐसे औरंगजेब और हुमायूं, अकबर और जाति धर्म बजरंगबली, बाबर की औलादों जैसे शब्द भी सामने आ चुके हैं। बाबर के औलादों वाले शब्द यही भारतीय जनता पार्टी के लोग यूज करते हैं और यही भारतीय जनता विनोद भारती जी जवाब दीजिए, इस तरह की बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब की कहां से एंट्री करा देते हैं आपको? क्या कोई संदेश आते हैं, क्या किस तरह के किरदार चुनाव में जिंदा करने? अपने 5 साल के कामों को लेके जनता के बीच में है भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनने। देखिए, आपके सामने है, आपके 5 साल के काम का साफ सामने है, आप देखिए वरुण गांधी क्यों कह रहे थे, फिर से वरुण गांधी ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरे भाई हम लोग काम का सिर्फ धर्म के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर, यादव परिवार का अपने अपमान किया है। विनोद भारती जी, जाति विरोधी पार्टी है, विकास के काम कोई करती नहीं। हम लोगों ने देखी उत्तर प्रदेश में किस तरह के विकास कार्य किए, मेट्रो दी हमने उत्तर प्रदेश में, विकास कार्य अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की विषैली भाषा क्यों, इस तरह की विषैली भाषा क्यों? संतोष यादव जी, जिस तरह से वरुण गांधी ने भाषा का प्रयोग किया, कहा कि सैफई में जो लोग 5 साल पहले गोबर कंडे उठाते थे, 5 करोड़ की गाड़ियों से चल रहे हैं, क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीति में होना चाहिए? नहीं, बहुत गलत है, वरुण गांधी जी को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह राजनीतिक दुर्योधन, औरंगजेब, टीपू सुल्तान पर जो भी बड़े पदों पर लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनको सम्मानित भाषा का उपयोग ऐसे नेताओं पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरा यह कहना है कि देखो, बीजेपी सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, तो आपको लगता है यह हताशा होती है, हताशा से निकलने का हथकंडा है इस तरह की भाषा? आपने मोदी जी को मंच पे भाषण देते हुए देखा होगा, एक गिलास पानी बगल में रखते हैं, उनका गला काम नहीं करता है, बोल नहीं पाते हैं, उनका गला सूखता है, एक एक घूंट पानी पी पी के बोलते हैं, उनका तो गला काम नहीं करता। दुर्योधन कह देगा और जैसे आप तुलना करेंगे उनकी, सबसे पहले संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद पे है, सबसे पहले उन्होंने ही हमको शराबी बताया था, हमारे गठबंधन को उन्होंने शराबी बताया, और भारत रत्न राजीव गांधी को उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी नंबर 1, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन
चिट दे दिया था, तो इस तरीके से संवैधानिक पद पर व्यक्ति को वो भाषण वो बात नहीं बोलना चाहिए जो उनको खुद को अच्छी लगे। अगर कोई मर्यादा भूल रहा तो क्या आप भी मर्यादा भूले हैं? आप भी लक्ष्मण रेखा भूलेंगे? आप अपनी मर्यादा को रखिए। और दूसरी बात यह है कि आपका जो समय था, इस समय 5 साल का, वो इस बात के लिए था कि 5 साल में आपने किया क्या है। 5 साल में आपने कहा था कि हवाई चप्पल चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज पे चलेगा, लेकिन आज हवाई जहाज पे वो आदमी नहीं चल पा रहा जो 1 लाख रुपया तनख्वाह पा रहा हो। विनोद भारती जी, जो उन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेगी, इनके बुलेट ट्रेन नहीं चले। वादे अधूरे, इसलिए आप इनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए कोई बात बोल नहीं पा रहे, पानी पी पी के भाषण देते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, आज भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो फिर आप राजीव गांधी को क्यों याद कर रहे हैं चुनाव में अपने कामकाज की? नहीं ना साहब, फिर आप राजीव गांधी को क्यों याद कर रहे हैं? भारत मजबूत हुआ है, विपक्ष को शराब क्यों बता रहे थे आप? फिर विपक्ष को शराब क्यों बता रहे थे आप? भारत का सम्मान बढ़ा है इस देश को। तो साहब कामकाज की नहीं ना, जनता के बीच जाइए तो कामकाज की नहीं, फिर विपक्ष को शराब बताने से क्या होगा? मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया, बुलेट ट्रेन कहा गया, हवाई जहाज से हवाई जहाज चलने वाला कहा गया, किसानों की आय कहा गई, 2 करोड़ नौकरियां कहा गई, आपने किया क्या 5 साल में? 5 साल का जीवन स्तर में सुधार हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होनी चाहिए ना। आप 5 साल के कामकाज उस पे चर्चा करिए, फिर आप राजीव गांधी को क्या एंट्री क्यों करा देते हैं मंच से? क्या प्रधानमंत्री को बात शोभा देती राजीव गांधी जी के बारे में? क्या प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में, वो भी प्रधानमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री जी के बारे में, भारत रत्न है राजीव गांधी, उनके बारे में ऐसी बात? राजीव गांधी के बारे में आप बोलेंगे? आप भी संवैधानिक पद पर है, प्रधानमंत्री है। वीरेंद्र मौर्य जी बताइए, इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, क्या सियासत में इस तरह की भाषा का कोई अस्तित्व है और इस तरह का प्रचलन क्यों? देखिए, किसी भी सूरत में राजनैतिक पृष्ठभूमि में किसी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, वो चाहे पक्ष के लोग करें चाहे विपक्ष के लोग। फिर होता क्यों? कहां से दुर्योधन की एंट्री हो जाती है, औरंगजेब आ जाते हैं, शकुनी आ जाते हैं, बाबर आ जाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया है, केवल जुमलों पर पूरी सरकार चला ली है। कांग्रेस दुर्योधन की एंट्री करा रही, वो इससे पहले मौत का सौदागर कह चुके थे, वो क्या था सब? आप जैसा बोएंगे वैसा आपको काटना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? लगातार एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जब प्रधानमंत्री की भाषा इतनी बदल रही है, मुख्यमंत्री की भाषा इतनी मतलब ओछी हो रही है, तो दूसरे दलों के लोग उसी तरह से उनका उपयोग करेंगे। क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या? आपके भाषा में कितना नहीं, राजनीति में कैसे शुरुआत जिन लोगों ने की है उन्हें रोका जाना चाहिए, जनता को भी उन्हें सबक सिखाना चाहिए। शुरुआत तो बहुत लंबी, भाषा यूज करेगा बहुत पहले से आ जाएगा। देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा यूज करेगा और कहते हैं मुख्यमंत्री छोटे दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री को अपनी भाषा शैली पर रोक लगाना चाहिए। ये सब एक गुजराती गैंग है, जनता ने उनको चुन के भेजा, गैंग क्यों बोलेंगे? जनता को सवाल यही है कि आखिर इस तरह की भाषा में गिरावट की वजह क्या है, कैसे कोई सियासी लाभ मिलता है, और गैर जरूरी भाषा का प्रयोग करके आखिर कौन यहाँ पर मायने लेना चाहता है? इसी मुद्दे पर बहस जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सवाल यही है कि आखिर सियासत में इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों, इस तरह के किरदारों को जीवित करने से किसे फायदा मिलेगा? वीरेंद्र जी, जिस तरह से आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपको क्या लगता है ये राजनीति में किस तरह का तमाशा है कि मन से जाकर इस तरह के किरदार जीवित कर देना, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर देना? देखिए, यह पूरा एक बड़ा षड्यंत्र है
जो इसका षड्यंत्र साहब कांग्रेस भी कर रही, बीजेपी भी कर रही, हर कोई मर्यादा भूलना साहब, जनता में तो गलत संदेश जा रहा है। बात करते वक्त पूरा वाक्य कह लेने दीजिए, अर्थ का अनर्थ होगा। पहली बात तो यह कि आप देख लीजिए, जब से कहते हैं इस किरदार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई है, उन्होंने जबरदस्ती कहते हैं उनको एंट्री कराया गया, कहते हैं गुजराती गैंग के द्वारा, कि किसी तरह से गुजराती प्रधानमंत्री बने। फिर जब वो बन गया तो सारे देश के संसाधनों को समेट करके कहते हैं गुजराती जो धनी लोग हैं उन्हीं के उनके घरानों में समेटने के लिए षड्यंत्र किया गया, नोटबंदी किया गया। नोटबंदी में बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया, इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि नोटबंदी केवल तीन आदमियों को पता थी। तो इसके लिए अगर, क्या उन्हें दुर्योधन कह दिया जाएगा साहब, औरंगजेब कहा जाएगा? अगर उन्होंने अपराध किए होंगे तो अपराधी तो कहा ही जाएगा, जिससे तुलना हो सकेगी उससे किया जाएगा। अगर वो आपको लगता है इस तरह की तुलना करना सही है? नहीं, तुलना करना सही नहीं है। तुलना इस तरह के कहते करेक्टर से करने के बजाय मूल बात होनी चाहिए थी देश को कहते एजेंडे पर, जो कहते शिक्षा पर हो, रोजगार पर हो, गरीबी पर हो, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हो, महिलाओं के विकास के लिए। आपको लगता है चुनाव में दुर्योधन, औरंगजेब, बाबर इन सब की जरूरत है? नहीं नहीं, इसकी कतई जरूरत नहीं है। लेकिन जब पहल कहते हैं इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो उसी तरह की भाषा में दूसरों को जवाब देना पड़ेगा। वो कह रहे कि पहल आपकी तरफ से होना चाहिए, सरकार की तरफ से अगर इस तरह की रिवाज सामने आएंगे तो प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, ये इस तरह की ओछी बातें बीजेपी की तरफ से नहीं आई है। आज तो ये वरुण गांधी ने क्या कहा था साहब, आपके सामने चल रहा है, यादव परिवार को लेकर उन्होंने क्या कहा था? प्रियंका जी ने अगर दुर्योधन से प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया है, उनको घमंडी कहा है, तो ये देश का अपमान है, देश की जनता का अपमान है, प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान है। और मैं समझता हूँ इस देश की जनता 23 मई को साबित कर देगी, तो समझ रहे हैं, लेकिन आप उनके सामने औरंगजेब, दुर्योधन, बाबर, हुमायूं, ये सब क्यों ला रहे हैं साहब? किसी जनता ने कहा है क्या, किस तरह के किरदार उनको चाहिए? ये सब नौटंकी, ये सब तमाशा क्यों करते हैं आप जनता के सामने? इस तरह देखिए, राजनीति नीति का विषय है, और इस बिल्कुल सारे राजनीतिक दलों को इसी पे कंसंट्रेट रहना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी नहीं आनी चाहिए थी। तो फिर आप देश का बता रहे हैं, फिर वरुण गांधी क्यों यादव परिवार के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, फिर अली बजरंग बली कहां से आ गए? नहीं गया है, इसलिए ये इस तरह की उजूल फुजूल और देश, आप क्या कर रहे हैं साहब, आप भी तो बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं। ये चुनाव में लोकसभा बनने जगह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके साहब, ये क्या है? जैसे चुनाव में दुर्योधन जिंदा हो गए, औरंगजेब सामने आ गए, संजय अनुपम जी दूसरे प्रधानमंत्री पर दुर्योधन ले आए, और इतना लगा देता है, तो देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा का सबक हर कोई सीख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर माहौल बनाने के लिए आरोप लगाने का काम करने की कैसी जरूरत है, लाने का काम करते हैं लोग। प्रधानमंत्री को नीच किसने कहा था? जातिवाद की बात करते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा अपना मौत का सौदागर और इन सब बातों की बात बाद में करें। ने उसका प्रोपेगेंडा किया, प्रधानमंत्री ने अपना लाभ लिया, थोड़ा सा ऊपर उठने दीजिए, प्रधानमंत्री कहते हैं इस तरह के, ठीक है, जी को बोलने दीजिए, अंशु अवस्थी जी को बोलने दीजिए, और आज ठीक है विनोद जी, अंशु जी को बोलने दीजिए, पार्टी के अंशु जी, आपको लगता है इस तरह के किरदारों को जीवित करने की जरूरत है चुनाव में? देश की जनता उनको अस्वीकार कर रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी आ रही है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी को बोलने दीजिए। नहीं, देखिए एक चीज समझ लीजिए, पिछले 5 साल से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, हम तो यही कहते हैं कि 5 साल में जब जब हमने रोजगार पर सवाल पूछे तब आपने उसका मजाक उड़ाया, जब हमने पिछले सालों के अपने काम की उपलब्धियां गिनाई तब भी आपने उपहास उड़ाया। आप बराबर जो नींव डाली है भारतीय जनता पार्टी ने, आज उसी को तो काट रहे हैं। जो फसल इन्होंने बोई थी, जिस तरीके से विधवा शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से कहा कि हमारी गाड़ी के नीचे अगर कोई कुत्ता आता है तो मैं उस पर चढ़ा देता हूँ, मर जाता है, अब देखते नहीं, तो ये जो संस्कारहीन और जो गरिमा को गिराने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, भाषा गिराने का कोई कंपटीशन चला कोई, क्या कोई कंपटीशन नहीं चला। फिर इस तरह के शब्द क्यों आ रहे हैं, दुर्योधन, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब क्यों आ रहे हैं राजनीति में? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही, हम तो दावा करते हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि जब जब मुद्दों पर बात होती है भारतीय जनता पार्टी, इनको हम कहते हैं कि इनसे 4-5 शब्द हटवा दीजिए, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, बलराम,
अभी आप देखिए इनसे मुद्दों पर बात कराइए, ये 10 सेकंड नहीं बोल सकते बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के, बिना राम के, बिना हिंदू के। तो सर उनकी राजनीति क्षमता हो सकती है, लेकिन आप क्यों दिल्ली की एंट्री करा रहे हैं, आप क्यों औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं? इनकी राजनीति की तुलना औरंगजेब से करना सही है क्या? शैलेन जी इनकी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सहेली आप उनको जवाब दीजिए साहब, आप जनता के बीच में जाके क्यों दुर्योधन औरंगजेब लेकर आ रहे हैं? सुन तो लो कम से कम 10 सेकंड सुन लिया करिए बोलने के बाद। आप इनकी भारतीय जनता पार्टी की नियत में भारत का विकास है ही नहीं, नौजवानों के लिए रोजगार है ही नहीं। आप विकास पे सवाल पूछिए ना उनसे, आप उनसे विकास पे सवाल पूछिए, आप दुर्योधन से तुलना क्यों कर रहे हैं, आप महाभारत के किरदार क्यों ला रहे हैं राजनीति में? हम नहीं बोलेंगे, आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, आप ही कर लीजिए। नहीं आपका सवाल नहीं, 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 आप ना साहब, क्योंकि लगातार हमने यही हो रहा है, आपके पास 10 सेकंड सुनने की हिम्मत नहीं। मैं तो पूरा मौका दे रहा हूं ना साहब, आप भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली पे चल रहे हैं, बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा हूं। किसी को बोलने का मौका तो दीजिए, आप बोले जा रहे हैं बराबर, रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, आप बोलिए, आप बताइए। मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी के नियत और चरित्र में ही नहीं है विकास। हम तो कह रहे हैं अगर विकास होता तो प्रधानमंत्री सहित सारे नेता बीजेपी के कम से कम मंचों से विकास और अपनी उपलब्धियों की बात करते। कहां पर बात कर रहे हैं? उन्होंने शराब से शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने। आप उनको जवाब दे रहे हैं इस तरह से? भाई हम कोई जवाब नहीं, जवाब जिस व्यक्ति ने कहा था हम देश की सुरक्षा करेंगे, हम सशक्त बन रहे हैं, हम चौकीदार बन रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तब हमने कहा कि चौकीदार चोर है। हमने ऐसे नहीं कहा चौकीदार चोर है। चौकीदार क्या कर रहा था जब विजय माल्या भाग रहा था, नीरव मोदी भाग रहा था? भ्रष्टाचार तो राफेल में हुआ है। आपकी बात पूरी होगी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति में इस तरह से भाषा के पतन के पीछे की वजह क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सवाल यही है कि क्या राजनीति में इस तरह के बयानों की जरूरत है, और आखिर ये रवायत बदलेगी कैसे? रजी हसन साहब आपसे ही पूछेंगे, आखिर राजनीति में रवायत खत्म कैसे होगी, आखिर ये परंपरा क्या पॉलिटिक्स में इतनी जरूरी है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह के किरदारों का प्रयोग? देखिए जब देश का प्रधानमंत्री अपनी गरिमा छोड़कर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है और गलत माहौल बनता है। जब देश का प्रधानमंत्री विकास की बात ना करके आतंकवाद की बात करता, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जब देश का प्रधानमंत्री आतंकवाद विकास की बात छोड़कर आतंकवाद की बात करता है, जब देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करता है, जब देश का प्रधानमंत्री जनता से झूठ बोलता है, तो माहौल कुछ ऐसा ही पैदा होता है। और फिर आप लोग हम लोगों को छोटे, हम लोगों के पार्टियों को कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि तो प्रधानमंत्री नहीं आप ही जितने भी हमने मीडिया चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, मैं तो इनको भी कहता हूँ कि अली बजरंग बली की क्या जरूरत थी, मैं तो आपसे भी कह रहा हूं कि मौसा सौदागर का मुख्यमंत्री कहता क्या है, हुमायूं बाबर, ये भाषा ठीक है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, ठोक दो, काट दो, मार दो, ठोकेदार आप भी तो कहते हैं साहब। नहीं, ठेकेदार और ठोक दो अलग चीज हो गया, ठोकीदार नहीं, ठोकेदार और ठोक दो अलग चीज हो गया, ठेकेदार अलग हो गया और ठोकीदार अलग हो गया। प्रधानमंत्री जी की जब अपनी मर्यादा भूल चुके हैं तो देश में कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल फैला होगा, और कहीं ना कहीं ये गलत माहौल बनाएगा। मतलब आपको लगता है भाषा ही पतन जो है वो पीएम के इर्द-गिर्द घूमता है? ये भारतीय जनता पार्टी के जन्मजात भाषा है। आप अंडा पहले आए कि मुर्गी पहले आए, ये बड़ा रिसर्च का विषय है। सवाल ये है कि आप याद करिए जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किस किस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग, वही मैं कर रहा हूं सर, पुरानी परंपरा है, कैसे दूसरा टूटेगी? दूसरा प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जब ये कहे कि ये नामजादे हैं, ये हरामजादे हैं, ये कामजादे, तो इस तरीके की जो भाषा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी पार्टी भी डिफरेंट कही जाती थी। आज इन्होंने उस गरिमा को तार तार किया है, और जिस तरीके से पूर्वजों का अपमान किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आज अगर हम जिंदा हैं तो राजीव गांधी की वजह से, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग किया है, पूरा देश इस बात से शर्मसार है। जिस व्यक्ति ने इस देश को 21वीं सदी में प्रवेश दिलाया, इतने बड़े बड़े काम किया, ऐतिहासिक काम किए, कंप्यूटर से परिचय कराया, और अब हिंदू धर्म की जो बात करते हैं, ये चूंकि हिंदू धर्म की ठेकेदारी की बात करते हैं, हिंदू धर्म में तो मरने के बाद दुश्मन की भी निंदा नहीं की जाती है, ठीक है? ये संस्कार है, पूर्वजों का अपमान करते हैं आप, इनको मजबूरी में ऐसा जवाब देना पड़ता है फिर आपको? भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू जनमानस का आदर करती रही है। वरुण गांधी ने तो बहुत आदर किया सर। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए।
प्रियंका गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को नीच कहा, स्मृति ईरानी क्या भेजा, आज प्रधानमंत्री जी को इन्होंने फिर से एक बार इस देश की गरिमा को, इस देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से दुर्योधन के शब्द से अरे पूरा देश कह रहा है चौकीदार चोर है, पूरा देश कह रहा है, अरे उसी चौकीदार चोर पे आपके राहुल गांधी चोर है, चौकीदार ने भ्रष्टाचार किया है कोर्ट में, राफेल में दलाली खाई है, कहां है प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार स्वयं किया, सीधे किया, स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए, जवाब शुरू कर दी है राफेल के भ्रष्टाचार में मोदी जी बचेंगे नहीं, राहुल बेनकाब, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की जांच शुरू कर दी है, राफेल की जांच शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी जी बचेंगे नहीं, चौकीदार ने जो भ्रष्टाचार किया है बचेंगे नहीं, समय नहीं है भ्रष्टाचार हुआ ये ठीक है। संतोष यादव जी को बोलने दीजिए, बता दीजिए भाई साहब, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो बीजेपी से अगर कोई व्यक्ति इनसे कोई क्वेश्चन कर ले, अगर इनके कार्यशैली पर इनकी सरकार पे कोई प्रश्न उठाता है तो ये उसको देशद्रोही घोषित करने का साबित पूरा प्रयास करेंगे कि ये देशद्रोही, केवल बीजेपी से आप क्वेश्चन कर दीजिए तो आप देशद्रोही हैं। दूसरा कारण इनके पास ये है कि इनके ही एक विधायक ने एक, अरे मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, एक विधायक ने एक सांसद से क्वेश्चन किया था, उसको मारे जूतों उसको वहीं पे पीट दिया, फिर रमेश बिंद से किसी ने क्वेश्चन कर लिया, रमेश बिंद ने कहा पहले मैं कपड़े उतारता हूँ उसके बाद उसका जनेऊ देखता हूँ, उसके बाद इतने जूते मारता हूँ कि पूरी जिंदगी याद रखूंगी, तो बीजेपी का जो चरित्र है वो अगर कोई क्वेश्चन उठाता है, अगर कोई क्वेश्चन उठाता है उसको अपने विषय में अगर इनका कोई क्वेश्चन करता तो देशद्रोही, ऐसे नहीं, एक एक करके साथ, एक एक करके साथ वीरेन जी को बोलने दीजिए। एक तो बीजेपी का जो चरित्र है, उन्होंने लगातार झूठ बोल करके, खाली बीजेपी का चरित्र क्यों है सर, बीजेपी के चरित्र पर बात इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने देश को धोखा दिया है, वो धोखा दे करके राजनीति में आए, धोखा दे करके उन्होंने कहते सत्ता हासिल की, धोखा दे करके लोगों से बात की, उसी धोखेबाजी को बाद में क्रियान्वित नहीं किया, उन्होंने लगातार किसी तरह के जो वायदे किए थे पिछले चुनाव में आज तक पूरे नहीं किए, उन्होंने कहा था कि हमें जूते मारिएगा सड़क पर, उन्होंने कहा था हमें चौराहे पर फांसी लगा दीजिएगा, उन चीजों को आज भी क्रियान्वित नहीं किया, उस पर जवाब देने के बजाय लगातार प्रधानमंत्री जैसे गरिमा पर ओहदे पर बैठा व्यक्ति वो लगातार कहते देश को गुमराह करने के लिए, तो उसका जवाब औरंगजेब है, उसका जवाब दुर्योधन करते हैं, सुनिए एक सेकंड, वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, इस देश की पूरी संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके जुमलों में पूरे देश को औरंगजेब और दुर्योधन की बात इसलिए हो रही कि वो तानाशाह थे, आपने नोटबंदी की, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता लाइन में लगा, पूरा देश लगा, ये लोकतंत्र है साहब, प्रजातंत्र, ये राजतंत्र नहीं है, आप 2 साल हो गए अभी तक आप नहीं बता पाए उसके क्या फायदे हुए, कितना पैसा वापस आया, ये तानाशाही नहीं है, आपने कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, 2014 से संसद के पटल पर रोजगार के आंकड़े नहीं रखे गए, और लोग जब राहुल गांधी जी सवाल करते हैं रोजगार पर तो आप जवाब नहीं देते, जनता के प्रति जवाबदेह ना होना ये तानाशाही है, और यही औरंगजेब और दुर्योधन का करैक्टर था, इनको मजबूरी में इस तरह की जुबान बोलनी पड़ती है, कांग्रेस इतनी मजबूर हो गई है, मजबूर हम नहीं है, नहीं क्या आप तानाशाह हैं, आपको जिम्मेदार हैं, आप तानाशाह हैं, आप अगर हम मजबूर नहीं है, पार्टी अगर कहीं असफल हुई थी, अरे बताओ ना नोटबंदी से कितना पैसा वापस आया, ऐसी बात है, चलो हम वापस लेते हैं, हम वापस लेंगे, ये बता दे कितना पैसा वापस आया, नोटबंदी से कितना पैसा वापस आया बताओ, नोटबंदी से कितना पैसा वापस आया, मोदी जी ने देश की गरिमा गिराने का ठीक है, किसी की कैसी भी मजबूरी रही हो, लेकिन माहौल बनाने के लिए इस तरह की भाषा राजनीति में कई सवाल छोड़ते, और इन सवालों का जवाब जनता ही अपने मत से देगी। फिलहाल आज की बहस में इतना ही, तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।